नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि लगातार अभ्यास किया जा रहा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। अनंत जो है प्रयास रत्न सभी यहाँ पे है। और आप सभी लोग जानते हैं कि इतना ज़्यादा शिक्षक वर्ग तीन के लिए पद बढ़ाने और काउंसलिंग कराने के लिए हमारे लगातार साथी भाई बहन भूख हड़ताल पर हैं। और स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लगातार हमारी मांग है 51,000 पद बढ़ाने व काउंसलिंग की मांग की अभ्यर्थियों के द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय अर्थात DPI के समक्ष भूख हड़ताल लगातार की जा रही है। यह उत्तीर्ण उम्मीदवार 2020 के हैं जो एग्जाम हुआ था। उनका कहना है कि प्रदेश में 12 वर्ष बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो रही है, जैसा हमने भी आपको पूरा डिटेल के साथ बताया था। नाम मात्र के पदों पर भर्ती की जा रही है, जबकि उत्तीर्ण अभ्यर्थी हम आपको बता चुके हैं कि लगभग आपके 1.94 लाख, जी हाँ दोस्तों, लगभग 1,94,000 पात्र जो हैं उत्तीर्ण हैं। और भर्ती मात्र नाम मात्र की केवल 18,000 पदों पर हुई थी, सभी लोग जानते हैं पिछले। अब जो सेकंड में है 7,500 पदों पर जो है सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया की जा रही है। तो हमारी जो लगातार मांग है 51,000 पोस्ट की, कि सभी 51,000 मिनिमम पोस्ट, कम से कम इतनी पोस्ट होनी चाहिए जिससे सभी भाई बहन शिक्षक बंधु जो उत्तीर्ण हैं, क्वालिफाइड हैं, उनका सिलेक्शन हो सके, उनका सपना साकार हो सके। और जल्दी जल्दी नई भर्ती की जो यहाँ पे आई है, जो ESB का 2023-24 का जो कैलेंडर है उसमें प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का जिक्र किया गया है कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन कोई ऑफिशियल अपडेट अभी यहाँ पे नहीं आया है। केवल कैलेंडर पर शामिल किया गया है कि एग्ज़ाम होगा, तो वह आपके 24 सत्र में होगा, यानी 2023 में वर्ग तीन का जो सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा, तो वर्ग तीन का एग्ज़ाम 2023 में एग्ज़ाम नहीं होगा। फार्म हो सकता है, नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन पूरी प्रक्रिया आपके 2024 में होगी। सभी लोग जानते हैं नवंबर में चुनाव का माहौल है और इसके पहले ही सारी चीज़ें प्रक्रिया हो जाएगी। तो हमारी जो लगातार मांग है 51,000 पोस्ट को लेके वर्ग तीन में, और 40-50% जो क्वालिफाइड का है जैसे चयन परीक्षा में, उसी प्रकार TET एग्ज़ाम जो ले रहे हैं, पात्रता परीक्षा ले रहे हैं, उसमें भी यही प्रोसेस होना चाहिए। यह हमारी सभी मांग है सभी शिक्षक भाई बहनों के लिए। बाकी जो भी अपडेट मिलता है हम आपसे जुड़ते हैं। सभी लोग कमेंट के बॉक्स में अपना अपना कमेंट फीडबैक अवश्य शेयर करें। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।